सिग्नल का मैसेज है, रुक जाइए मेजर आ रहा है। भाई साहब मिल गई से भाई, जो लौंडे की जावा है वो पैसे वाला है, वो खरीद लिया उसने, कल मिल जाएगी हमें। क्या खरीद लिया का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। Well, hello guys, welcome back to our YouTube channel Gaming with Acido, and how are you? Hey guys, Gaming with Acido channel को subscribe करें, bell icon दबाएं। अगर आप tournaments खेलना चाहते हैं तो link आपको description में दे रखा है, वहाँ से जाके आप हमारा WhatsApp group join कर सकते हैं। जल्दी करना करो, हम जाएं नहाने, मम्मी चिल्ला रही है, 4-5 दिन हो गए नहीं नहाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Well guys, इसी के साथ मैच हो गया है हमारा स्टार्ट। यहाँ पर सभी बंदों ने जंप लगा दी है। मैं देख रहा हूँ टीम 5 के रॉकेट भैया अपने टीममेट्स के साथ लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर उनके टीममेट्स और उन्होंने कर दी है लूट स्टार्ट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बंदे सभी डाउन साइड पे जंप मारे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई टीम 15 का एक बंदा नॉक हो गया है, उसी के साथ फिनिश भी हो गया है। यहाँ पर टीम 25 के बंदे प्रेशराइज करते हुए टीम 15 के बंदों को, और यहाँ पर टीम 15 के दो बंदे अलाइव बचे हुए जिनमें से रावत और यहाँ फिनिश अपना किल सिक्योर करते हुए यहाँ पर टीम 25 के तीनों बंदे आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे रावत भैया टीम 15 बचे हुए और डाउन साइड होते हुए वो नॉक हो चुके हैं। और यहाँ पर टीम 15 के थ्रू भैया गए और यहाँ पर टीम 25 के लास्ट में मैंने ज्वाइन कर दिया। टीम 15 के ध्रुव भैया थोड़ा बैक साइड पर है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक कंपाउंड बे रहा, उसको पूरी तरीके से घेर लिया टीम 25 के बंदों ने और टीम 15 का एक बंदा सरवाइव करते हुए थोड़ा दो से अलग है। और इसी के साथ विदाउट एनी टाइम वेस्ट एम गेम ब्रिगेडियर ने नॉक कर दिया है मॉन्स्टर बोलते को। मॉन्स्टर बोलते ने पिछली बार मुझे शाउट आउट देने के लिए बोला था, सो शाउट आउट टू यू मिस्टर मॉन्स्टर बोलते। हालांकि उनके दो टीममेट्स थे और दोनों ही फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पर टीम 10 के दो बंदे अलग बचे हुए हैं और यहाँ पर टीम 16 का बंदा बॉट चलाते हुए। अब हम लोग आ गए हैं टीम 2 के टीम HD सार्को के ऊपर और यहाँ पर टीम 3 के एक उस सब भैया को कर दिया है नॉक, जो कि नॉक की हालत में आगे बढ़ते हुए नजर आते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ टीम 3 के उस सब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए टीम 3 के बंदे भी आ रहे हैं। बट यहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है और उस सब भैया की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है। हालांकि उनके टीममेट्स भाई रिच का सहारा ले रहे हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसी के साथ उस भैया फिनिश हो गए। यहाँ पर टीम HD क्रेजी टीम 3 के लापाकी बच्चे बंदों के ऊपर रस करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम HD क्रेजी के साथ है टीम HD सार्को और यहाँ पर टीम गॉडजिला YT पार्थू सब लोग भाई पूरी तरीके से रस करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम 3 के दो बंदे अलाए बचे हैं, दोनों बंदों के कंपार्टमेंट में घुस गए। टीम HD सार्को बहुत ही बुरी तरीके से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बंदे को कर दिया है फिनिश और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ टीम 3 के दो बंदे बचे हैं गॉडजिला YT एंड कार्लोस नूब, दोनों बंदे एकदम कैंप करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ स्मोक अच्छी तरीके कर दिया भाई ने, कर लिया अपनी पोजीशन चेंज और बहुत ही अच्छी प्रो टेक्निक के साथ बॉट साइड चले गए हैं। और भाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और गॉडजिला YT हो गए फिनिश। यहाँ पर टीम का एक ही बंदा अलाइव बचा है जो कि फिनिश कर दिया गया है और यहाँ पर टीम 2 के भी दो बंदे अलाइव बचे हैं। यहाँ पर टीम HD साथ हो गया फिनिश हो गए पार्थू एंड एक्सप्रेजी सर्वाइव करते हुए। वेल बैक इन द गेम गाइस, मैं देख सकता हूँ टीम 6 के बंदों के ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया है टीम 12 के बंदों ने और यहाँ पर बगी का सहारा लेते हुए यहाँ पर रन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ टीम 12 के बंदे उन पर रस करने की कोशिश करते हैं, अपनी व्हीकल्स पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ टीम 2 के बंदे पहुँच चुके हैं टीम 5 के सामने। यहाँ पर तू भैया भाई मार दे पट्ट से हेडशॉट, भाई मार नहीं पाए खुद ही नॉक हो गए। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ आकाश ने बहुत ही अच्छी स्नाइपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर टीम 2 के बंदों को नॉक पे नॉक देने की कोशिश अब भी जारी है। बट यहाँ पर देखा जाए तो पार्थू भैया रिवाइव हो चुके हैं और टीम HD क्रेजी उनका साथ देते हुए यहाँ पर 25 के आई एम रेयर भैया मुझे रैंकते हुए नज़र आ रहे हैं।
और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ टीम 25 के एक और बंदा इन्हीं के पास पास है, और यहाँ पर रेयर भैया को रेयर नहीं डायरेक्ट एक्सटेंट ही कर दिया गया है मेरा मार के मैप से। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ टीम 2 के एक्सटी क्रेजी भैया और इसी के साथ नॉक, और यहाँ पर जबरदस्त देते हुए किल सिक्योर कर लिया है पूरी तरीके से। और यहाँ पे किल सिक्योर और यहाँ पे टोटल 6 फिनिश हो गए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एमवी कमांडर ने कर दिया है वाई एच चुरंको को नॉक, और यहाँ पर टोटल फुल स्प्रे देते हुए नजर आ रहे हैं अपने फोरेक्स के साथ भी डैमपुर। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टीम 8 के बंदे अलर्ट हो गए हैं अपने बंदे को रिवाइव देते हुए, और यहाँ पर ऑन से भाई पट से हेडशॉट, और यहाँ पर नॉक हो गए हैं एम गैंग मेजर भाई नॉक हो गए हैं। यहाँ पर खुले में रिवाइव दे नहीं सकते इसीलिए बैक साइड जाते हुए एम गैंग कमांडर, और यहाँ पर बैन के नीचे रिवाइव देते हुए एम गैंग मेजर को। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ बाई एच के बंदे आस पास आ गए हैं, और यहाँ पर टीम 16 का सिंगल बंदा दिखाई दे रहा है, टीम 16 भाई यंग हंटर्स का सोलो बंदा यंग हंटर्स की स्क्वाड को देख रहा है। नाइस गेम प्ले, और मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पर टीम 6 के ऊपर भाई साहब रस कर दिया है टीम 2 के बंदों ने, और यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करते हुए एम गैंग कमांडर मेजर और रस, हालांकि उन्होंने मेजर को फिनिश कर दिया है पूरी तरीके से। टीम 12 आगे बढ़ती हुई और भाई टीम से भागे हुए दबदबा के भागे, अरे भाई कुछ फायदा नहीं हुआ इसका, और यहाँ पर कमांडर हो गए फिनिश, और यहाँ पर टीम 12 के बंदे लूट लपेट करने पर लग गए हैं। और यहाँ पर टीम 2 के एक्सडिग्रेसी भैया अपनी लूट कंप्लीट करते हुए यहाँ पर टोटल 6 फिनिश के साथ हैं अभी, और उनके सामने है पूरी टीम 6 का स्क्वाड। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ टीम 12 के बंदे अभी तक लूट में लगे हुए हैं, और इसी के साथ टीम 8 के बंदे फाइट लेते हुए टीम 11 के बंदों के साथ। यहाँ पर एक बंदा हो गया है नॉक, और यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर टीम 8 और टीम 11 के बंदों ने एक दूसरे का सपोर्ट कर लिया है, हालांकि टीम 8 का एक बंदा नॉक हो चुका है क्योंकि मैग्नेटो ने करा है। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ टीम 11 अभी भी सपोर्ट करने पर लगी हुई है, एम2 पूरी कोशिश कर रहे हैं और किल निकाल लें और कर लें। यहाँ पर जल्दी करके दिखा दो कोई जबरदस्त स्नाइपिंग, और यहाँ पर भाई चोर्डिन ने एम के मैग्नेटो को कर दिया है नॉक विद हिज पावरफुल ओम। भाई पट्ट से हेडशॉट देखने को मिल रहे हैं, इस गेम में अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। यहाँ पर मैग्नेटो को रिवाइव देते हुए कर्नल, और इसी के साथ टीममेट के बंदे अपनी हेल्थ को रिकवर करते हुए आगे पीछे भाग रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि गेम बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पर टीम 6 के बंदे अलर्ट नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट कर लिया है रिज के पीछे टीम 5 के बंदे की। हालांकि टीम 5 के बंदे अपने आप को सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, पक्की का पुसारा लेते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर दी है ये आकाश ने, और उनके सामने एक और भाई अलग अलग तरीके से भाई, और यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से भाई नॉक कर दिया एक और पट्ट से हेडशॉट, बहुत ही शानदार धमाकेदार। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि भाई टीम 11 के दो बंदे एक साथ अपने व्हीकल में जाते हुए, और यहाँ पर गोरियों की आवाज़ सुन ली है और इसी के साथ सपोर्ट करने की पूरी कोशिश। यहाँ पर टीम 12 के बंदे बैठ गए व्हीकल में, भाई मीरा मार के मैप में एक भी बंदा सिंगल बंदा ऐसे नहीं व्हीकल का यूज ना करा हो, सभी बंदे अपने अपने व्हीकल उठाते हुए भाग रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ टीम 6 के बंदों पे रस कर दिया है टीम 2 के डुओ ने, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पर घोस्ट भैया अपना और उसके सामने आए पार्थु भैया जिनको कर दिया है नॉक, बहुत ही बढ़िया ने एकेएम का स्प्रे। और यहाँ पर किल फील्ड में भाई बंदे रजिस्टर होते जा रहे हैं, कोई नॉक हो रहा कोई किल हो रहा, और इसी के साथ भाई बंदे नॉक हो चुके हैं। यहाँ पर टेरर भैया अकेले सर्वाइव करते हुए भैया भी हो गए नॉक, और इसी के साथ उन्हें कर दिया गया फिनिश। और यहाँ पर भाई टीम 8 के बंदों की बुरी हालत हो चुकी है, बंदा फिनिश हो गया, दो बंदे नॉक हो चुके हैं, हालांकि एक बंदे सिंगल बचा है जो रिवाइव देने पर लगा पड़ा है। और उसी के साथ टीम 1 क्रेजी भैया ने कर दिया है टीम 6 को पूरी तरीके से आउट, और यहाँ पे लास्ट 12 बंदे अलाइव बचे हैं, बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मैग्नेटो ने भाई नॉक कर दिया है टीम 5 के बंदे को, यहाँ पे कर्स रॉकेट और आकाश भैया बचे हुए हैं अकेले जो कि सर्वाइव कर रहे हैं। मैग्नेटो को भाई किल कन्फर्म हो चुका है, किल फीड से पता चल चुका है हम लोगों को, और यहाँ पर नेट करते हुए आकाश और भाई बग्गी का सहारा, भाई बग्गी से ये बंदा बहुत बुरी तरीके से चिपका हुआ है, इसको बहुत लगाव हो गया है, बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिंग वो बंदे। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ स्मोक का अच्छा सहारा लिया गया, स्मोक कर दिया भाई, कोहरा ही कर दिया पूरे मैप में। और यहाँ पर देख सकता हूँ कैप्टन आगे बढ़ते हुए कर्स रॉकेट के ऊपर भाई फुल प्रेशराइज, और भाई क्या बहुत ही बुरी तरीके से भाई नॉक करा है कैप्टन। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ अपना फिनिश निकालते हुए कैप्टन आगे बढ़ गया,
इसी के साथ यहाँ पर मैग्नेटो ने फिनिश कर दिया है ये आकाश को, और मैं देख सकता हूँ टीम फाइव के सारे बंदे हो चुके हैं फिनिश, और यहाँ पर टीम एट के तीन बंदे अलाइव हैं, हालांकि जो अपने आप को लास्ट जोन में पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीम एट के बंदे भाई साइड से फ्लैंक मारते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ उनके सामने टीम इलेवन के चारों बंदे हैं, और यहाँ पर फाइट हो सकती है डेंजरस। लास्ट नाइल अलाइव बंदे बचे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा गेम चला है ये, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर टीम इलेवन के बंदे बीचों बीच में हैं, हालांकि एक साइड टीम एट के बंदे और एक साइड टीम टू के बंदे, हालांकि टीम टू के बंदे अभी दोनों टीम से बहुत दूर हैं, और यहाँ पर टीम नाइन के बंदे चुके हैं, और इसी के साथ टीम एक्सिक्रेजी ने कर दिया है कर्नल को नॉक, भाई कर्नल नॉक गेम कैप्टन रिवाइव देने के लिए पहुंच रहे हैं, और यहां पर एक्सडी भाई क्रेजी का अलग ही लेवल का गेम प्ले चल रहा है, टोटल 10 फिनिश के साथ आगे बढ़ते हुए टीम इलेवन के ऊपर। यहां पर मैं देख सकता हूं ओडिन भैया भी पड़ रही है, और ओडिन भैया की चड्डी कर दी है लाल, और देख सकता हूँ इलेवन के बंदे हैं, और यहाँ पर जॉन भी चल चुका है अपने साथ, और टीम टू के क्रेजी पे भाई कोई सा वेपन नहीं छोड़ रहे हैं, ये तो वेपन मास्टर लग रहे हैं भाई। पर इसी के साथ टीम है भाई कैप्टन ने कर दिया है नॉक, और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मॉन्स्टर के लेवल फाइव पर भी हूँ, और यहाँ पर मॉन्स्टर भी हो गए हैं फिनिश, बहुत ही बढ़िया टीम एट का गेम प्ले। यहाँ पर टीम एंटीग्रेविटी स्क्वाड को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है, और यहाँ पर टीम टू के बंदे आगे बढ़ते हुए के साथ ये बंदे कर दिया नॉक, और लास्ट भाई वन बच्चे फाइव सामने, और इसी के साथ अपनी टीम को मैच जिता दिया है। कंग्रेचुलेशंस टू अल्ट्रा बॉट्स, और इसी के साथ हमारा एक और थ्रिलिंग सस्पेंसफुल मैच खत्म हो चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई मेरा मार मैप था, और ये मैच बहुत ही शानदार रहा। सभी बंदों का स्कोर बोर्ड चेक कर लो, देख लो। Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesson.